अब आजकल मोबाइलों में आ गए हैं कुरान शरीफ तो मोबाइल में लोग पूछा करते हैं कि पढ़ना जायज़ है कि ना जायज़ है जायज़ तो है पढ़ना मोबाइल में भी पढ़ सकते हैं लेकिन कुरान करीम में बराहरास रास्त जो नुनुखा है कुरान करीम का वो सामने रखकर पढ़ना और उसके अंदर देख कर पढ़ना ये ज्यादा बेहतर ज्यादा अफजल है उसमें सवाब ज्यादा है ये जो हमें मोबाइल के अंदर कुरान करीम नजर आता है ये कुरान नहीं है ये कुरान करीम का अक्स है जैसे आईने में नजर आ रहा हो तो उसके वो अहकाम नहीं होते जो हकीकी कुरान करीम के नुस्खे के होते हैं लिहाजा ठीक है, है नाजायज भी नहीं है अगर थोड़ा करो आदमी सफर में जा रहा है कहीं आ, ऐसे वक्त में कि कुरान करीम सामने मौजूद नहीं है नुस्खा तो मोबाइल में पढ़ ले तो कोई गुनाह नहीं है बाद लोग उसको गुनाह भी समझने लगे गुनाह नहीं है अलबत् यह है किरन करीम के बरह रास्त नुस्खे में पढ़ना ज़्यादा अफजल है उसमें ज्यादा सवाब की उम्मीद है